उसके बाद इसके यहाँ पर फिर हम चलेंगे अपने क्वार्टर पे। पॉज करना बोल मत। सो गाइस देख इस तरह से चल रहा है ना ये भाई, ट्रैफिक सारा धीरे। सो गाइस देख लो यहाँ पे एक कॉलेज है, दिखाता हूँ तेरे को। काबर किधर है? यहाँ पर ऐसा ही होता है, अगर थोड़ा भी आपने ब्रेक मार दिया और पीछे से कोई साधन आ रहा है तो कोई नहीं रोकता है, सीधा ठोकते ही है, क्योंकि किसी को भी मतलब वेट करना। अभी जा रहे हैं तो अमन आता है तो उसके साथ ही निकल जाएंगे। अभी इसको मिलेगी मेरे को, कौन हो तुम? इसको पोज कर, इसको डाइनिंग टेबल, सरकारी डाइनिंग टेबल ऐसे ही आते हैं। ये इसलिए खुश है कि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आती है करके। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, देसी नाप ब्लॉगिंग। और आज का ब्लॉग बाहर ही शूट हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि अभी शेरू को लेकर आया हूँ बाहर और सुनाई नहीं दे रहा हूँ आप लोग को। ये शेरू आया है बाहर मेरे साथ, तो अभी फ़िलहाल इसको घुमा के उसके बाद जाना है गाड़ी में डीजल टॉप अप कराना है। एक्चुअली तमिलनाडु में डीजल का रेट जो है वो यहाँ से ज़्यादा है कर्नाटका से, सो दैट्स वाई यहीं पर हम लोग डीजल टॉप अप करा लेंगे, फुल टैंक करा देंगे ताकि वहाँ पर जाके कोई इशू ना हो, है ना। तो देखते हैं कितने का डीजल आता है उसमें, डीजल पहले से भी था बट स्टिल आई डोंट नो कितने का डीजल पड़ेगा उसमें। तो डीजल टॉप अप करा के उसके बाद अमन के साथ जाना है उसके न्यू क्वार्टर पे, जहाँ पे वो अभी शिफ्ट होने वाले हैं फ़िलहाल में। तो न्यू क्वार्टर में जाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे घर पे आके, और क्योंकि रात को निकलना है करके तो सोना ही पड़ेगा ना, यू नो। तो इसलिए फटाफट अभी चलते हैं और विल सी क्या होता है, क्योंकि सारा कुछ अभी शाम में ही सब कुछ बना लेना है, क्योंकि अब भाई वहाँ पे जाके तो नहीं मतलब 3 बजे निकलना है या 1-2 बजे निकलना है तो थोड़ी बनाने बैठेंगे, है ना। तो इसलिए मम्मी को बोल दिया है, और मम्मी का मेडिसिन वगैरह भी लेकर आना है तो वो भी ले लूँगा। अभी देखते हैं कि फ्यूल कितना आता है उसमें, हालाँकि पहले से है हाफ टैंक फ्यूल बट स्टिल 2000-2500 ऐसा ही करके आएगा कुछ फ्यूल उसमें फुल टैंक। देखते हैं क्या सीन बनता है। चलिए शेरू का हो गया जो भी है, और शेरू भी जा रहा है ना अपने साथ ट्रिप पे, तो बहुत खतरनाक होने वाला है ये ट्रिप, क्योंकि शेरू को हैंडल करना इज वे टू हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको हैंडल करना अभी लॉन्ग जर्नी में। लेकिन एक बार देख लेते हैं ना कैसा मतलब रिस्पॉन्स करता है लॉन्ग जर्नी में, तब हम लोग को आइडिया मिल जाएगा थोड़ा करके, क्योंकि अभी गांव वगैरह भी इसको जाना होगा तो गाड़ी में ही जाएगा ना, तो दैट्स व्हाई। तो फिलहाल तो इंसर जी को घुमा लेते हैं और उसके बाद सीधा मिलते हैं घर पे। गाइस अपन निकल चुके हैं और अब यहाँ से रिकॉर्डिंग संभालेंगे हमारे प्रिय मित्र अर्थात अमन, पेट्रोल तक का गाना बजाना और ये दोनों काम ही नहीं का है। ये जब रिकॉर्ड करेंगे तो गाना नहीं बजाएंगे और जब गाना बजाएंगे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये इनके ऊपर है कैसे करेंगे। यहाँ से मैं छोड़ता ऑटोमेटिक गाड़ी आता तो मैं खुद रिकॉर्ड कर लेता, या गोप्रो वगैरह होता है कि नहीं अमन? लेकिन साला गोप्रो नहीं है तो फिर वही सीन है। तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइस सो फाइनली हम चल रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट टाइम तू बैठा है ना, मतलब सर्विसिंग में आया तो था लेकिन तू आया नहीं था। सो गाइस हम फल चल रहे हैं इसमें पेट्रोल डलवाने, उसके बाद इसके यहाँ पर फिर हम चलेंगे अपने क्वार्टर पे। पॉज करना बोल मत। सो गाइस देखो हम चल रहे हैं तो फिर हम अपने क्वार्टर पे चलेंगे। तो विकी बता ना अपना क्वार्टर कैसा है? मैं देखा ही नहीं तो कैसे बताऊं। तो गाइस देख लो ये मेरे मजे ले रहा है, कह रहा है कि मैंने क्वार्टर नहीं देखा है। तो आप देख सकते हो कैसे मुझे मैं बेवकूफ हुआ है, मैंने सच में नहीं देखा है, मैं कहां गया उसके क्वार्टर में बेवकूफ बनाने की बात कहां से आ गई। बैंगलोर का ट्रैफिक कितना खराब है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर गाइस। अगर एक दो सिग्नल के बाद ही निकल पाएंगे यहाँ से सुबह, अगर सुबह मॉर्निंग में निकले तो काफी मतलब अगर जल्दी निकलना पड़ता है, अगर मॉर्निंग से अगर थोड़ा भी लेट हो गई, थोड़ा 9 या 10 o'clock हो गई तो मतलब कि बैंड बजाते हैं यहाँ पर, निकला नहीं जाता, टाइमिंग बहुत लगता है। अगर थोड़ी सी दूर भी जाना होता है तो काफी 1 hour या 2 hour लग सकते हैं। ये 2 kilometers का डिस्टेंस है ये, हाँ, और इसमें करीब लग जाएगा अभी हम लोग को 1 hour तो लग ही जाएगा। हाँ ऐसे ही लग रहा है, ये ट्रैफिक अभी लंबा है। हाँ जिस तरफ से लग रहा है, जिस तरह से चल रहा है ना ये,
ट्रैफिक सारा धीरे 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 करके चलता है गाइस। मुझे बेंगलुरु ट्रैफिक बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ट्रैफिक में ना तो बाइक अच्छे से चलती है और गाड़ी तो स्टैंड नहीं है ना तेरा। मुझे तो यार गाड़ी तो दिक्कत होती है यार, ऐसे स्लो में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ नहीं आता सच्ची। माइलेज भी नहीं निकालता ना गाड़ी सच्ची, माइलेज ही बहुत कम कर देता है। तो गाइस देख लो यहाँ पर कोई सिंगर भी है क्या? आई थिंक सो गाइस देख लो यहाँ पे एक कॉलेज है, दिखाता हूँ तेरे को। कहाँ पर? किधर है? यहाँ पे। अच्छा सामने है क्या? हाँ। जब मैं टर्न लूंगा ना देख रहा है चूतिये साले पता नहीं क्या कर रहे। गाइस देख लो मर्सिडीज देख लो, आपने तो कभी देखी नहीं होगी वो पीछे निकल गई, आप शायद देख नहीं पाए, अगर आगे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर गाइज आपको सुपर कार देखनी है ना तो बेंगलोर में जरूर आओ क्योंकि बेंगलोर में इतनी अच्छी सुपर कार है कि और किसी स्टेट में या किसी सिटी में मुझे देखने लायक नहीं मिलेंगे सर। जानता है यहाँ पे रूल कार चलाने के लिए क्या है? हाँ। जिस तरफ मुड़ना है ना उधर गाड़ी पहले रख लो क्योंकि इस भीड़ में। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए डीजल लेने और यहाँ पे ऑटो कट लगा देना भाई। उसके बाद ये देखो साहब जी अंदर ही बैठ के मजे मार रहे हैं। क्या सर आपके यहाँ ऐसे हैं? साले ठंडी है गाड़ी अंदर ही मर तुम। क्या चल रहा है प्राइस यहाँ पे? 88 ओके 89 मतलब है ना 89 भाई यहाँ से तो ठीक है, चेन्नई में तो और ज्यादा है महंगा। हरियाणा में तो बहुत है यार। हाँ। 103 100 बहुत ज्यादा महंगा भाई। टिप्पणी दे भाई डीजल ऑटो कट पे लगा हुआ है, देखते हैं कितने का जाता है। अभी तक तो 1400 कुछ अमाउंट का चला गया, दिखा रहा हूँ आपको ऑटो कट पे लगा दिया इसने। कितनी में फुल होती है? पता नहीं भाई, 40 लीटर का टैंक तो है लेकिन ज़्यादा ही लगता है पता है 40 से। हम फाइनली यहाँ से निकल गए हैं, हमने पेट्रोल भरवा लिया है। सो आप देख सकते हो अभी सीधा जाएंगे घर और उसके बाद जाएंगे कैसे कुत्ते को ले जा रही है शायद आई थिंक। सो हम इसके बाद जाएंगे घर और रात को चलेंगे चेन्नई शायद 10 o'clock या 1 o'clock 1 o'clock निकले। हाँ 1 o'clock क्योंकि 12 बजे तक यहाँ पे ट्रैफिक होता है। हाँ रात को 12 बजे भी यहाँ पे ट्रैफिक होता है और 1 बजे भी मिलेगा बट सो हमें निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर फिर हम पहुँचेंगे नहीं टाइम पे चेन्नई तो आप देख सकते हो भाई लेकिन आगे का रास्ता है कैसा लगा? देख देख के देख रहे हैं ये साले तुरंत मार देंगे पुलिस वाले को। लेफ्ट ठोक दिया साले ने एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं गाइस। यहाँ पर ऐसा ही होता है अगर थोड़ा भी आपने ब्रेक मार दिया और पीछे से कोई साधन आ रहा है तो कोई नहीं रोकता है, सीधा ठोकते ही है क्योंकि किसी को भी मतलब वेट करना पसंद नहीं है यहाँ पर सब वो करना पड़ेगा। सो फाइनली गाइस अब भी अपन निकल रहे हैं जो बताया था अमन जहाँ पर शिफ्ट हो रहा है उसके नए मतलब आर्मी क्वार्टर्स आर्मी क्वार्टर है वहाँ भी जा रहे हैं। तो अमन आता है तो उसके साथ ही निकल जाएंगे। अभी बहुत सीन है यार, पता नहीं कौन से क्वार्टर है मिला हुआ। मैं एक बार गया हूँ आई गेस, लिफ्ट वगैरह सब कुछ है उसमें। तो विल सी आज मतलब बहुत दिनों बाद फिर मतलब आर्मी क्वार्टर्स देखने का मौका मिलेगा भाई। तो चलो चलते हैं और वो नमूना अभी तक नीचे नहीं आया, ऊपर ही है वो, नीचे आए तो जाएं। मेरे को बुला लेता फिर वो लेट हो जाता है खुद, क्या बताऊँ मैं। आ जा बे। निकल चुके हैं अपन लोग नए क्वार्टर के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है आर्मी क्वार्टर, पास में यहाँ से हमारे उधर से जस्ट अभी हाँ। क्या बोल रहे हैं? इसको हाथ में पकड़ लेना। किसको? झाड़ू। अबे पांव से दबा देना। इसने पता नहीं झाड़ू रखा है वही गिर रहा है इससे, दबा देना पाँव से उसको। लक्ष्मी मार है यार। तो भाई ये देखो ट्रैफिक तो साला हम लोग के जीवन का सबसे खुल गया, अपनी किस्मत अच्छी है। 3 2 1 go साली ऐसी तो किस्मत है ये हमेशा अच्छी नहीं होती ना, कल जैसे नहीं थी कल लटक गए थे और लटके भी तो गंदा थे बीच में
भाई नई नई गाड़ियाँ आई हैं शोरूम में। नहीं पहले भाई यहाँ पे आता था मैं सर्विसिंग के लिए लेकर गाड़ी, ये जो है ना ये वाला गेट यहीं से लेते थे। ये शाले पेड़ देखो कितना बीच में कितना बहुत भाई, ये देख सब टूट गया ना, तोड़ फोड़ के रख दिया यहाँ पे, पता नहीं पार्किंग कुछ बना दिया है। अच्छा खासा जगह था ये, पता है विक्टोरिया हाउस है यहाँ पर। हाँ जान दो होने दो, कहाँ है यहाँ पे विक्टोरिया हाउस चल। तो भाई अब आ गए हम लोग कैंटोनमेंट में, मतलब समझ लो ना विक्टोरिया। तो भाई देख लो यहाँ पर विक्टोरिया हाउस भी है, विक्टोरिया हाउस ये अपना आर्मी क्वार्टर है जिसका ये डेली शकल दिखाता है ना, इसको मिलेगी। मेरे को बोले कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। अपन इधर आ गए आर्मी क्वार्टर्स में, किधर है फिर आ गए भैया। ये है अपना नया क्वार्टर है दमलूर का, मतलब नया नहीं है पुराना। काम तो है, हाँ स्टिक काम तो ऐसे बढ़ने नहीं देते सर, स्ट्रिक्ट है। इसको पोस्ट इसको काट देना इस वीडियो के यहाँ से। क्या एंट्री ले रहे हैं सीधा, नो पार्किंग नो एंट्रेंस करके। ये है अपना मेन एंट्रेंस, तो वी आर इन अ लेफ्ट राइट नाउ। Guys are good to go. ये क्यों लगाया मेरे को समझ भी नहीं आया कुछ, इसका क्या मतलब हुआ लगाने का। सही है ना। हाँ सही है, मतलब इसको लगाने का क्या मतलब हुआ। सो गाइज हियर इट इज, आई डोंट नो कि ये शीशा क्यों लगाया, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए मे बी। तो गाइस हम दिखाते हैं अभी, तो हियर इज अ क्वार्टर, न्यू क्वार्टर, आर्मी क्वार्टर। भाई साहब हियर इट इज, पेंट वगैरह नहीं किया अभी तक। ओके भाई, डाइनिंग टेबल सरकारी डाइनिंग टेबल ऐसे ही आते हैं ठीक है। तो में दे रहे हो कम है क्या भाई, तो फ्री में नहीं दे रहे भाई, सबके पैसे कटते हैं। और ये इट इज अ बालकनी, एक ही बालकनी है ना ये वाला, तीन बालकनी है। तो ये एक बालकनी ये हो गया भाई, नए कॉट इधर ही मरते रहना तू। तो ये देखिए ये बालकनी की हालत देखिए, कबाड़ करके रखा हुआ नहीं पड़ेगी इसको, एवरी सामान गिरा नीचे जाकर। तो भाई पूरा जंगल ही है लेकिन अच्छा खासा बना दिया, और सारे क्वार्टर्स फुल्स हैं आर्मी के। बहुत नहीं है अभी, खाली भी है कुछ। साउथ वालों का क्वार्टर है ये, नॉर्थ को पहले मिला था, फिर नॉर्थ को हटा के नॉर्थ को उधर नया वाला। काफी बड़ा नहीं है। हाँ ये किचन काफ़ी सही है। सो इट इज किचन है गाइस, सरकारी किचन ऐसा ही होता है, थोड़ी आपको वैसा मिलेगा, थोड़ा सा गंदा है बट ठीक है, पेंट वगैरह हो जाएगा ना तो या इट्स गुड टू गो। और ये है बर्तन रखने के लिए यहाँ पे मस्त, जो नल वगैरह सब काम करा ना, गर्म गीजर वाला है। और ये ठंडा नॉर्मल पानी चलेगा तो बिना गीजर का भी ठंडा। गीजर कहाँ से ऑन करते हो। ओ और ये फर्स्ट रूम, ये लो इसने पहले ही अपना लिख के रखा हुआ कि ये मेरा ही रूम है भाई। गवर्नमेंट क्वार्टर्स ऐसे ही होते हैं भाई, देख लो सब कुछ हार्ड रहता है, लोहा लोहा, जिंदगी जीने का मजा है। हाँ ये अच्छी है। और बालकनी देखो, बहुत ही प्यारा बालकनी, चेयर लगा के मरते रहो यहाँ पे। और देखो क्या व्यू है, क्या प्यारा शानदार सा व्यू है यार, लिटरली इट्स अ गुड थिंग ना। ये इसलिए खुश है कि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आती है करके हद है इस बंदे का। यहाँ से पूरा बैंगलोर भी देख सकता हूँ। हाँ तो हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं अभी, और इसमें टोटल कितने फ्लोर हैं पे, 1 2 3 6 4 3 5 फ्लोर है ऊपर, एक ग्राउंड फ्लोर लेकर, तो 6 टोटल, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। और देखो यार कैंटोनमेंट में आने का ना, कैंटोनमेंट में रहने का ये फ़ायदा है कि ग्रीनरी अच्छी खासी मिल जाएगी, आप वो देख सकते हो पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और कितना प्यारा सुंदर सा रोड बनाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये एक बालकनी हो गया, एक बालकनी मैंने आपको उधर दिखाया और पार्किंग के लिए तो दिखा दिया, और नीचे बना हुआ है, और एक बालकनी किधर है, और अच्छा ये वाला बालकनी दोनों रूम से एक्सेस है ना। और भाई और ये क्या है,
तो ओके, काफ़ी अच्छा खासा बाथरूम है यार, आई गेस 4 और ये 6 होगा मेरे ख्याल से, 6 या 7 होगा, 4x6 का बाथरूम है, अच्छा खासा बाथरूम है, स्पेस है अच्छा खासा, बहुत ही प्यारा बाथरूम है घर के। और ये एक और रूम ले ये सरकारी क्वार्टर ये सरकारी क्वार्टर। एक बालकनी किधर है? Oh guys, yeah, this view. अच्छा ये एक वो भी है क्या, रूम में ही है बाथरूम? और एक वो कॉमन सबके लिए होगा राइट? ये भी काफी अच्छा है यार, 5x6 का जितना मेरे रूम का है, 5x4 या 3 ऐसे ही होगा। इतना शावर एरिया इनफ होता है भाई, थोड़ी हम लोग इतने फैले हुए हैं, इतने आराम से नहा सकते हैं, इसको बंद करने के बाद अच्छा अच्छा खासा नहा सकते, अच्छा सीन भी होगा। और सी भाई कितने बुरे लग रहे हैं हम लोग, इससे क्या ही लग सकते हैं ज्यादा बुरा तो सही है यार क्वार्टर। और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह दिया होगा, गीजर सब में अटैच्ड है, और ये सिर्फ अटैच्ड बाथरूम है इस रूम का। तुझे यही रूम लेना चाहिए था ना भाई, अटैच बाथरूम मिल जाता, सबसे दूर अकेला मरता। नहीं, ये भी अलग ही है तो भाई सही है। और ये मैंने आपको दिखाया जैसा कि उस बाथरूम होता है, इसमें स्मेल आती है, इसलिए मुझे बाथरूम पसंद नहीं। तो ये दोनों रूम से इस बालकनी का एक्सेस है, तो अबे यही है ना दूसरा भी, तुम्हें चूतिया इंसान तो बोल दो, दिखाऊंगा यार दो बालकनी है, बोल दो बालकनी भाई, इसमें थोड़ा तेल वेल डाल दो यार, तीसरी बालकनी है भाई, ये तीसरी बालकनी है, वही बालकनी है, इसी से एक्सेस है, दोनों रूम का एक्सेस इस बालकनी से है। और ये नमूना बोल रहा है कि 3 बालकनी है। नहीं अभी आगे एक बालकनी हो रहा है, छुपा रुस्तम, वो छुपा रुस्तम बालकनी कहाँ है वहाँ भी दिखाता हूँ, चलो चलो। तो भाई ये रूम टूर ले रहे हैं हम लोग पूरा, लाइट जल रहा है? हाँ सही है, सब कचरा करके रखा हुआ है, पता नहीं आर्मी के पास पैसे दुनिया भर के होते हैं फिर भी यार सही से सही नहीं करते काम, आधे तो सीओ के जेब में चला जाता है भाई, ऐसा नहीं बोलते इंडियन आर्मी इज ग्रेट, बेस्ट है, जिस देखना चाहिए बेस्ट है, जैसे जहाँ रह रहे हैं उससे तो बहुत अच्छा है, अच्छा खासा रूम साइज है, मतलब इधर वो जहाँ रह रहे हैं उससे अच्छा व्यू दिखता है, प्रीटी मच गुड, अच्छा खासा वो है, दैट्स नाइस, अच्छा खासा मतलब खुला है। तो सो ये हमने फाइनली हम दिखाने वाले, ये कौन सा रूम है? अच्छा ये कबूतर खाना, अच्छा ये बालकनी की बात कर रहा था, एक्चुअली गाइज ये इतना जमीन बच गया था, सोच रहा था कॉन्ट्रैक्टर की करे क्या, तो ये वॉशिंग एरिया बना दिया इसको, तो वॉशिंग मशीन वगैरह सब यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे नल दिया हुआ है, नल का पॉइंट है, और वहाँ पे आप वॉशिंग मशीन का सीधा जो पाइप आता है वो डाल सकते हैं, सामने व्यू भी देख सकते हैं, और ऊपर वो है तो सो कोई इशू नहीं है, और स्मेल वगैरह आने का टेंशन भी नहीं है, सब कुछ यहाँ से अच्छा खासा, यहाँ पे कपड़े डाल सकते हो, भीगने का कोई सवाल नहीं, हवा से सूखता रहेगा, धूप से नहीं हवा से सूखेगा, जादू थोड़ी है जो धूप से सूखेगा, हवा से अच्छा होगा। हाँ सो अच्छा है यार, मतलब अब नौकर वाला काम स्टार्ट करेंगे, सुन वे चुपचाप काम कर, मुंह बंद रख, ये क्या कर रहा है फिर, चुपचाप से अच्छे से सफाई होना चाहिए, एक भी गंदगी दिखाना पगार काटूंगा तेरा, याद रख समझा, बिल्कुल गंदगी दिखनी नहीं चाहिए मेरे को, और फ्लोर वगैरह झाड़ू वगैरह उठा अच्छे से साफ कर सब प्यार से, वो भाई साहब। तो भाई ये जो नौकर है इसको मैं विलायत से लेकर आया हूँ, मतलब अमेरिका से आया हुआ है ये, ठीक है, साफ सफाई करने के लिए, देख रहे हो इसको सब कुछ पता है, अमेरिका में क्या बोलते हैं जॉर्ज बुश का जो बिल्डिंग है उसको साफ करता था, और अब यहाँ पे भाई हम लोग काफ़ी अमीर हैं, यूनो अमीर है, लिफ्ट में कचरा फेंकने जा रहे हैं, देख रहे हो अमीरियत तो हमारे अंदर ही है, लिफ्ट का कचरा करके रखा है इन लोगों ने, गैराज पार्किंग जो भी बोल लो, उधर अमन अपना सब रखेगा हथियार बनाने के लिए गाड़ी, और यहाँ पे गाड़ी बनाएगा, गाड़ी मैकेनिक बनेगा ये, नहीं बाइक मैकेनिक, टू व्हीलर मैकेनिक बनेगा भाई ये। भाई क्या शानदार बिल्डिंग है यार, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, तो चलो चलते हैं, वो बंद कर ले तो सैर करा रहा हूँ मैं आपको, अबे झूला है ना झूले, बस इधर क्या वॉलीबॉल कोर्ट, इधर से घुमा ले, इधर ले और इधर से घुमा ले, बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल है नहीं है, अबे बन रहा है ये, घुमा ले घुमा ले, इसको ऊपर चढ़ाए एक, दो, तीन, चार ही फ्लैट है, हाँ छोटा सा ही है मतलब,
लेकिन हर एक में 6-6 फ्लोर है ना, तो 12-12 क्वार्टर है ना एक में। सो फाइनली गाइस मेरा डिनर कंप्लीट हो गया और अभी सीन कुछ ऐसा है कि कल जल्दी जाना है, सुबह सुबह निकलना है, तो आई हैव टू स्लीप ना, तो बस वीडियो एडिट करूंगा और सो जाऊंगा मैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं, पेंट सूट लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल का नाम है देसी ना ब्लॉगिंग, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।